बाल पाल और लाल पाल और बाल ये सब स्मरण करा था महात्मा गांधी सहित जेकर नेतृत्व में सत्य अहिंसा के लड़ाई के तहत देश ला आजादी मिले। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद कतेक महापुरुष मन बलिदान दे, एक तरफ अहिंसा के माध्यम से, दूसरा तरफ हमर चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक अशफाक उल्ला खां, अनेक वीर सपूत मन है जे मन अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो अपन प्राण के न्यौछावर दे। उस सब महापुरुष नेता जिन सुभाष चंद्र बोस जिन देश से बाहर जाके वहाँ फौज इकट्ठा करके अंग्रेज मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हजारों हजार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जिन सिपाही मन लड़ी थे मन प्राण के न्यौछावर करी, उस सब मन ला नमन हम आज करा था। एक साथ साथ यू बात ला बताया का आवश्यकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिन बात कहा थे आज विभिषका दिवस है, देश के बंटवारा हो और देश के बंटवारा करे में वो महात्मा गांधी ने दोष दे दे, कोनो नेहरू जी ने दोष दे दे, कोनो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोष दे थे, लेकिन सवाल ते बात के कि तुम्हारे संगठन 1925 के बंगरी से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वो समय तुमन काय करत रहे। वो समय जब 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारा देगी मुंबई के ग्वालियर टैंक में, इन समय देश के प्रथम पंक्ति के जतका नेता मन है वो सब ला जेल में ठूस दे गेरी से, और यही आरएसएस के आदमी मन है जेमे ये आंदोलन लग कैसे कुछ ले जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके गोलवलकर तक ये मन ये कहा से ये कांग्रेसी मन जो लड़ाई लड़ा थे वो कैसे कुछ ले जाए, ओकर सलाह दे चिट्ठी लिख लिख के ये मन देश के आजादी के लड़ाई में भाग नहीं ले, ये मन अंग्रेज के साथ देते से मन मुखबरी करत रही। हमारे पाटन क्षेत्र के पुरखा मन जब देश के आजादी की लड़ाई लड़त रही से जेल के अंग्रेज मन के डंडा खाए जेल के प्राण के आहुति दे, तब भारतीय जनता पार्टी के पुरखा मन अंग्रेज मन के मुखबरी करे काम करते से। आज यदि देश के बंटवारा हो तो भारतीय जनता पार्टी के संगवारी मन सुनो तो कान खोल के सुन ले, ये देश के बंटवारा के यदि सही मायने में कोई जिम्मेदार है तो वो सावरकर है। वो सावरकर 1925 में हिंदू महासभा के अध्यक्षता करते हुए भाषण दी ये देश में आजाद हो लेकिन दो राष्ट्र बनना चाहिए, एक हिंदू के एक मुसलमान के, तो पहला प्रस्ताव सावरकर के, और 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ये बात रखी कि हाँ दो राष्ट्र बनना चाहिए, तो जैन भाषा सावरकर बोलतरी से वही भाषा मोहम्मद अली जिन्ना बोले हैं, तो देश के बंटवारा के लिए गांधी जिम्मेदार नहीं है, देश के बंटवारा के लिए जिम्मेदार कोई है तो सावरकर और जिन्ना है। नक्शा है अखंड भारत में कौन कौन देश आते, भारत तो है ही, बगल के पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, सब हवे अखंड भारत में। तुम देखे नक्शा उगर मन अखंड भारत के नक्शा कौन कौन देखे हाथ उठाए, वहां बहुत जन कुछ दो चार जन देखे। एक तरफ अखंड भारत होना चाहिए गई थे और दूसर तरफ क्या कहे थे, दूसर तरफ कहते ये जितका मुसलमान है तेल पाकिस्तान के थे, कहते कि नहीं कहा, ये बात सुनो कि नहीं सुने तुम। अब एक बात बताए जितका मुसलमान है तेल पाकिस्तान भेज दे और पाकिस्तान लखंड भारत में मिला दे तो भेजे का मतलब है, नहीं समझे मोर बात में, ये मतलब पाकिस्तान भेज दे अच्छा बात भेज दे पाकिस्तान और अखंड भारत में मिला दे कहा थे,
तो जब तक मुसलमान कई गुना मुसलमान हिंदुस्तान में भारत में हो जाए तो कमलेश भैया मिलाए का मतलब है बता तो कौन बेकूफ समझते कौन बनावत प्रकार की गुमराह करे काम करा थे। और गांधी जी के रास्ता पे कांग्रेस पार्टी चला तो छत्तीसगढ़ सरकार चला गांधी जी के श्रम के सम्मान करो श्रम के सम्मान करो अपन जीवन में किसान आंदोलन करे नेहरू जी किसान आंदोलन करे सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान आंदोलन करे किसान के हक और अधिकार पर लड़ाई लड़े महात्मा गांधी बुनकर मल्ल सम्मान करे चरखा ते नौकरे मन करे कि हम है ये चरखा है आंदोलन के प्रतीक बन के देश के आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े अस्त्र चरखा वाली ये का है ये जिन किसान मेहनत करके जिन कपास उत्पादन करते हैं ओकर से जो सूत काते जाते वो चरखा है मेहनत के सम्मान। महात्मा गांधी अपन चाहे जेल में रही से चाहे वर्धा आश्रम में रही से अपन हाथ से चप्पल और जूता बनाए काम करते जिन हमार मेहर भाई मन जिन जूता बनाते बोला सम्मान देख काम करे महात्मा गांधी मैला ढोए काम महात्मा गांधी अपन सिर में करके कर जब श्रम है तेरा सम्मान देख काम करे